बॉबी झा एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। पोलिंग बूथ पर धक्का देकर बीजेपी उम्मीदवार भारती घोष को जमीन पर गिराया, छलके आंसू। पश्चिम बंगाल से भाजपा उम्मीदवार और पूर्व आईपीएस अधिकारी भारती घोष के साथ रविवार को घोटाल संसदीय क्षेत्र के केशपुर मतदान केंद्र के बाहर कथित तौर पर धक्का मुक्की और मारपीट की गई। जानकारी के अनुसार उनकी गाड़ियों के काफिले पर भी हमला किया गया जिसमें शीशे टूट गए। उनके साथ मारपीट की घटना उस वक्त हुई जब वे छठे चरण के मतदान के दौरान पोलिंग एजेंट के साथ मतदान केंद्र में घुसने की कोशिश कर रही थी। कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस की महिला समर्थकों ने घेरकर भारती के साथ मारपीट की और उन्हें जमीन पर गिरा दिया। भारती इस घटना के बाद रोती हुई भी दिखाई दी। बीजेपी ने इस घटना के लिए तृणमूल कांग्रेस समर्थकों को जिम्मेदार ठहराया। वहीं चुनाव आयोग ने भारती द्वारा मतदान केंद्र पर मोबाइल फोन ले जाने और वीडियो बनाने पर रिपोर्ट तलब की। पश्चिम बंगाल के कई हिस्से पिछले दिनों तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच मतदान में हिंसा और झड़प की खबरें सामने आई है। हिंसा के बढ़ते मामलों में देखते हुए छठे चरण के लिए बंगाल में मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। देखिए बादलों से फायदा मिलने वाले बयान पर ओबीसी बोले, आप गजब के एक्सपर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि जब बालाकोट एयर स्ट्राइक की योजना बन रही थी तो मैंने विशेषज्ञों को सुझाव दिया था। मैंने कहा था कि आसमान में छाए बादल और भारी बारिश हमें पाकिस्तानी रडार से बचाने में मदद कर सकते हैं। इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर राजनेताओं के साथ साथ यूजर्स ने भी मोदी के बयान की आलोचना करना शुरू कर दी है। मोदी ने इंटरव्यू में बताया, मौसम एकाएक खराब हो गया था, आसमान में बादल छा गए थे, भारी बारिश हो रही थी। विशेषज्ञों के मन में उस समय मौसम को लेकर शंका थी। वे सोच रहे थे कि क्या बादलों के रहते हम ऐसा कर सकते हैं। कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि यदि हम तारीख बदल दे तो, मगर मेरे दिमाग में तो दो बातें थी, एक इस बात का गुप्त रहना, दूसरे मैंने विशेषज्ञों से कहा कि मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो विज्ञान का जानकार है। मैंने कहा बादल छाए हैं, भारी बारिश भी हो रही है, मगर यह फायदेमंद भी है। तो एमएनएस न्यूज ऐप की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।